हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, यू आर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, हम एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे थे, तो आई होप आप जितना हमने पढ़ा था उतना आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, तो हम किस तरह से एक्टिव वॉइस में फोकस टू सब्जेक्ट और पैसिव में हम क्या करते हैं फोकस टू ऑब्जेक्ट, और किस तरह से करते हैं, हमने टेंसेस के अकॉर्डिंग हमने जो है चेंज करे थे, उसके रूल बताए थे आपको कि जो एक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं 12 टेंसेस में, बट पैसिव खाली किस में होते हैं हमारे 8 टेंसेस में। तो ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कर चुके हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई चेंज नहीं होता, नो पैसिव वॉइस, राइट। पास्ट इंडेफिनिट हमने कल करा था, आज हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो लेट्स स्टार्ट। हैज और बीन का हमने कल यूज करा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बीन लगाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, वॉज और वर्ब का यूज करते हैं, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई किल्ड द स्नेक, स्नेक वॉज किल्ड बाय Me, I का क्या हो जाएगा me, you rang the bell was rung by you, ring rang rung, तो आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है यूज करनी है, क्लियर। जैसे हमने कल डिस्कस करा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, is, am, are, राइट। आई हम आई के साथ एम यूज करते हैं, ही शीट के साथ, और इसके साथ हम क्या यूज करते हैं बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे हम किसमें करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करते हैं वॉज और वर्ब, तो वॉज और वर्ब के साथ हम क्या यूज करेंगे बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लियर। जैसे हम किसमें करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्हाट इज द डिफरेंस, राइट। तो पास्ट कर रहे थे और कर रहे हैं, राइट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वी यूज एस एम आर एज अ ऑक्सिलरी वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब, कौन से यूज करते हैं वॉज वर्ब बींग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज राइटिंग अ लेटर, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, वह पत्र लिख रहा था। ही क्या है बच्चों यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, वॉज क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, वॉज और वर्ब, उसके साथ आपको क्या ऐड करना है, क्योंकि ये तो सिंपल हम टेंस कर रहे हैं, आपने हम टेंसेस अगर आपको माइंड में होंगे जैसे मैंने कहा था रिवाइज करके आना, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते कर रहा था, जब वे कर रहे थे तो क्या हो जाएंगे दे वर, राइट। प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं वर, ही शी इट आई के साथ, सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं वॉज, राइट। तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, वॉज क्या है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और ये आईएनडी फॉर्म है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे आपको रूल पता होगा तो क्या करते हैं हम वर्ब ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे इन पैसिव वॉइस अ लेटर, और फॉर्मूले से देखो अब ये क्या बन जाएगा पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा इन पैसिव वॉइस, राइट। आपको इसी से स्टार्ट करना ऑब्जेक्ट से, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो इट इज वेरी सिंपल, वर्ब हमारा हमेशा मिडिल में रहेगा, बट क्या चेंजेस करने इट इज क्लियर फ्रॉम द रूल, राइट। पैसिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस सिंगुलर, वेदर इट सब्जेक्ट इज योर सिंगुलर और ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय पैसिव वॉइस। तो ए लेटर वॉज बींग रिटन बाय हिम, सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, तो ये क्या हो गया आपका पैसिव सब्जेक्ट
and this is your passive object. And this is your passive subject. Clear? Now come to the next sentence. The farmers were sowing the seeds. A farmers, plural hai, to were use kara. Similarly, the seeds were being sown by the farmers. Clear? So this is your subject, auxiliary verb, sowing the seeds, object. तो सिंपल सा फट से इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो. द सीड्स पहले आ जाएगा आपका, वो बीइंग सोन बाय द फार्मर्स. क्लियर? व्हाई वर यू नॉट राइटिंग अ लेटर? व्हाई वाज अ लेटर नॉट बीइंग, नॉट किसके आगे आ जाएगा, बीइंग रिटन बाय यू. वाज हरी राइटिंग अ लेटर? वाज अ लेटर being written by Hari. Clear? Next है आपका past perfect tense. जैसे present perfect tense में क्या था बच्चों, कर चुके हैं, कर चुका है, वे कर चुके हैं, right? तो past में क्या है, कर चुके थे, had been. तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना singular के साथ हमें क्या use करना है, plural के साथ क्या use करना है. सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल के साथ आपको क्या यूज करना है, हैट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बीन. क्या यूज करना है, बीन. जैसे हमने अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं बच्चों कि हमने क्या करा था, प्रेजेंट इन द प्रेजेंट परफेक्ट. तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या यूज करा था बच्चों, हैव प्लस बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? But in past perfect tense, in passive voice, आपको क्या use करना, had been. क्या use करना, had been. For example, तो इसका what is the formula of passive voice? Passive subject plus had been, आपको auxiliary verb in passive voice. Third form of the verb, by plus passive object. अगर आपको यही याद करना और इसी के according आपको change करना है. He is your subject, had auxiliary verb, written. अब यहाँ पे हम already perfect tense में हम third form of the verb use करते हैं, right? तो आपको वही करना है, कोई आपको change नहीं करना, only you have to add been, right? तो a letter, this is your subject, this is your subject, had been written by him, right? तो यहाँ पे अगर हम अपना formula check करें, तो बच्चों O क्या है आपका, passive subject, had been, third form of the verb, by, और passive subject is your him. क्योंकि he है, he का क्या हो जाएगा, him. They had not done their homework. Negative sentence है. Same here. This is your subject. Their homework, object, had not done is your verb. Clear? Their homework, क्या आएगा बच्चों? Had not been done by them. ये क्या है आपका पैसिव, एक मिनट लिख देते हैं यहाँ पे, पैसिव ऑब्जेक्ट. और ये क्या है आपका पैसिव सब्जेक्ट. और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या था हमारा, पैसिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, और सब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट. राइट? दे प्ले द प्लेयर्स, यहाँ पे दे नहीं आएगा, द प्लेयर्स हैड वन द मैच. द प्लेयर्स, यहाँ पे ये नहीं आएगा बच्चों, वाई इज नॉट देयर. द प्लेयर्स हैड वन द मैच. प्लेयर्स प्लूरल, तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल में तो सब में क्या यूज करना आपको, हैड. The players had won the match. ये क्या हो गया subject, match क्या हो गया आपका object. तो क्या हो गया, the match had been won by the players. The match had been won, third form of the verb, by the players is your subject.
तो ये हो गया आपका पैसिव ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर पैसिव सब्जेक्ट. क्लियर. नेक्स्ट इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. व्हाई हैड यू नॉट रिटर्न अ लेटर. व्हाई अ लेटर, व्हाई हैड अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय यू. यू का यू रहेगा तो बाय यू. क्लियर. तो आपको अगर रूल याद होंगे बच्चों तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. क्लियर. तो प्रेजेंट परफेक्ट हम यहाँ पे कंपेयर करते हुए चल रहे हैं बच्चों कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव बीन लगाया था. राइट. बट इन पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज हैड बीन एंड थर्ड फॉर्म द वर्ब. तो अकॉर्डिंगली आपको जो है चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नो चेंज. तो अभी हमारे दो टेंसेज आ गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें कोई पैसिव वॉइस नहीं होता, नो चेंज. अगर कोई सेंटेंस होगा तो आपको उसको चेंज छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कोई रूल नहीं बताया आपको और कोई पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता. राइट. नेक्स्ट इज योर, तो हमने बच्चों कितने कंप्लीट कर ले हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट. सिक्स टेंसेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं और दो में जो है नहीं होता है. राइट. लास्ट में हम इस सारे को लिखेंगे किसमें होता है किसमें नहीं, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट टेंस दैट इज योर सिंपल फ्यूचर टेंस. भविष्य में जो हम काम करते हैं उसको जो है फ्यूचर टेंस कहते हैं, आपको पता है. नहीं, हम क्या यूज करते हैं, विल और शैल का हम यूज करते हैं अगर हम सिंपल टेंसेस की बात करें. राइट. तो फॉर्मूला क्या है बच्चों इसका, ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस शैल बी और विल बी. तो हमें क्या यूज करना है, देखो बच्चों, शैल बी और विल बी यूज करना है. फॉर्मूला इज योर पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय पैसिव सब्जेक्ट. लेट्स सी द सेंटेंस. ही विल टीच मी. अब यहाँ पे देखना आपको है कि ही के साथ आपको विल यूज करना है या आई के साथ आपको क्या यूज करना है, वी के साथ आपको शैल यूज करना है. तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हम जो है टेंसेस जब हमने करे थे तो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज करना और थर्ड पर्सन के साथ हमें क्या यूज करना. क्लियर. तो बच्चों यहाँ क्या है, ही विल टीच यू. तो ही इज योर सब्जेक्ट, विल इज योर हेल्पिंग वर्ब, टीच मी ऑब्जेक्ट. क्लियर. तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता है, वर्ब आपको पता है, टीच इज योर वर्ब. अब मी का क्या हो जाएगा बच्चों, आई. जैसे हमने वो भी याद करें कि आई का मी हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, तो यहाँ पे मी का क्या हो जाएगा बच्चों, आई. तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल. तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी. तो आप ये ना देखें कि यहाँ पे ही के साथ वी हैव यूज विल, वी यूज विल. तो डोंट यूज विल क्योंकि आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल बी, शैल यूज करते हैं. और शैल के साथ हमें क्या यूज करना है, बी, जब हम इसको चेंज करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई टॉट. टीच का क्या हो जाएगा, टीच टॉट टॉट. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज टॉट. तो शैल बी टॉट बाय हिम. ही का क्या हो जाएगा, हिम. एक्टिव ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा आपका पैसिव, पैसिव सब्जेक्ट और पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर पैसिव सब्जेक्ट. राइट. तो जो फॉर्मूले में वही यहां पे पैसिव सब्जेक्ट इज योर आई, शैल बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय और पैसिव ऑब्जेक्ट इज योर हिम. इस तरह से आपको चेंज करना है और आपको ये देखना है कि विल कहाँ यूज करना है, शैल को हमें
कहाँ यूज करना है। द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, पोस्टमैन क्या है, सब्जेक्ट विल डिलीवर, डिलीवर क्या आपका वर्ब, द लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा, द लेटर्स पहले आ जाएगा। अब द लेटर्स के साथ आपको क्या यूज करना है, द लेटर्स विल बी, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड। अब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिलीवर्ड, द डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें, सब्जेक्ट तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं और यहाँ हम जा रहे हैं ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। और कैसे चेंज हो रहा है, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। कम टू द नेक्स्ट, दे विल कॉल मी। अब सेम है बच्चों, एकदम आपके दिमाग में आ गया होगा कि मी के साथ हम क्या लगाते हैं, मी को किसमें चेंज करेंगे, आई, और आपको क्या यूज करना है इसमें, शैल। तो दे इज योर सब्जेक्ट, विल कॉल वर्ब मी ऑब्जेक्ट, तो आई शैल बी कॉल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल्ड बाय देम, देखा जा जाएगा बच्चों देम। नेक्स्ट है विल शी इंट्रोगेटिव, विल शी राइट अ लेटर, क्या हो जाएगा बच्चों, विल अ लेटर बी रिटन, विल अ लेटर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के, विल अ लेटर बी रिटन बाय हर। तो फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में हमें क्या यूज करना है बच्चों, विल बी और शैल बी। सिंपल अगर एक्टिव में होता है तो हम क्या यूज करते हैं, विल और शैल का यूज करते हैं। बट व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस इन सिंपल फ्यूचर टेंस, आपको क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज शैल बी विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कोई चेंज नहीं होता, राइट। तो अभी आगे हम लिखेंगे कौन कौन से टेंसेस में नहीं होता। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई सेंटेंस आता है आपको, तो आप कोई चेंज नहीं करेंगे उसमें, राइट। नेक्स्ट इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं, बट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, विल हैव, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट टेंस में चाहे सिंपल प्रेजेंट, चाहे सिंपल परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हम हमेशा यू ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपको ज्यादा चेंज नहीं करना, आपको खाली बीन लगाना है। जैसे हम पहले देख चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बीन लगाया था, हैज हैव के साथ बीन लगाया था, पास्ट टेंस में भी, पास्ट परफेक्ट में भी हमने हैड बीन लगाया था। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको क्या यूज करना है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो प्रेजेंट में हमने क्या लिखा था, यहाँ पे एक बारी लिख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट has have been, past perfect में had been plus third form of the verb। तो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि आपको क्या यूज करना, कंपेयर कर रहे हैं तीनों टेंसेस का, कंपेयर कर रहे हैं। अभी हमने पहले प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करा, अब प्रेजेंट पास्ट को किससे कंपेयर करेंगे, हम फ्यूचर टेंस से करेंगे, राइट। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज करा था हमने, हैज और हैव के साथ बीन। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने यूज करा था हैड बीन इन पैसिव, राइट, इन पैसिव वॉइस। अब हमें क्या करना है बच्चों, एक्टिव वॉइस में, तो फॉर्मूला क्या है इसमें, हम शैल हैव बीन विल हैव बीन यूज करेंगे, पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव बीन। बीन आप माइंड में रखें कि अगर हमें चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, क्या यूज करना है बच्चों, शैल हैव बीन विल हैव बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लियर।
नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. अब फॉर्मूला जैसे लिखा हमने वैसे ही चेंज करना है. द पियोन विल हैव कॉट द टेररिस्ट. पियोन ने किसको पकड़ेगा? एक टेररिस्ट को. पर चुक मतलब विल हैव है, ये मतलब कर चुका है, पकड़ चुका है, कॉट, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा चेंज? अब यहाँ पे पहले मार्क कर लो, दिस इज योर सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब. कॉट क्या है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म. द टेररिस्ट इज योर ऑब्जेक्ट. अब हमें सिंपल सा करने हैं, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, क्लियर. तो टेररिस्ट, तो व्हाट इज द सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस? द टेररिस्ट. तो हमें क्या करना है यहाँ पे, टेररिस्ट को पहले लिखना है. विल हैव बीन कॉट बाय द पियोन. दिस इज योर सब्जेक्ट, पैसिव, ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर पैसिव सब्जेक्ट. तो अगर हम देखें, हमने फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, द टेररिस्ट इज योर पैसिव सब्जेक्ट, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉट बाय द पियोन. पियोन क्या हो गया आपका? पैसिव ऑब्जेक्ट. तो सिंपल है, वैसे ही आपको करना है. खाली आपको क्या करना है, यू हैव टू एड ओनली बीन, बी डबल ई एन. दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस बाय 2 o'clock. सिंपल सा क्या है बच्चों, दे आपका सब्जेक्ट है, हाउस आपका ऑब्जेक्ट है. तो क्या हो जाएगा, द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय 2 o'clock बाय देम. दे है ना, दे का क्या हो जाएगा बच्चों, देम, देम बाय. द होल हाउस क्या हो गया बच्चों आपका सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट और पैसिव सब्जेक्ट, और दिस इज योर सब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज योर, द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप बाय 10 o'clock. अब यहाँ पे केमिस्ट क्या है आपका सब्जेक्ट, द शॉप क्या है आपका ऑब्जेक्ट. तो फिर सीधे आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, इसको क्या करेंगे हम रिवर्स करेंगे, और आपको क्या करना है बीन को वहां पे यूज करना. द शॉप विल हैव बीन क्या हो जाएगा बच्चों, द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीन आपको ऐड करना है, बाय द केमिस्ट बाय 10 o'clock. कितने बजे तक? 10 o'clock, राइट. दे विल हैव बिल्ड द हाउस. दे इज योर सब्जेक्ट, will have built the house. The house is your, ये उल्टा कर दो बस इसको, right? Will have been built, third form of the verb, by them is your subject. I hope आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम been का यूज करते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो. When we change a sentence from active voice to passive voice, you have to add been. Auxiliary verb के साथ हमें क्या use करना है, been. Helping verb के साथ use करना है been. Clear? Same future perfect. अब future perfect के बाद क्या आता है, future perfect continuous tense. तो future perfect continuous tense में भी कोई change नहीं आता, राइट. तो कौन कौन से टेंसेज में हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करते हैं? पहला है बच्चों आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तीसरा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, और फोर्थ है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो चार टेंसेज में आपके कोई पैसिव वॉइस नहीं होता. कितने बचे आपके, 8 out of 12. तो 12 टेंसेज होते हैं हमारे, 8 में हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं. तो कौन से चार नहीं है वो मैंने आपको क्लियर कर दी, क्लियर. तो अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं. अभी हम जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे बच्चों. अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, राइट. द चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग टेंसेस.
अब एक्टिव में दिया है, आपको पैसिव में चेंज करना है. द ग्रैंड फादर फेड द डॉग्स एवरी डे. अब ग्रैंड फादर फेड, तो इट मीन्स कौन सा टेंस है बच्चों? यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज ही है. यहाँ पे कौन सी है? फेड इज योर वर्ब. तो कौन सा टेंस यूज है यहाँ पे? पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज है. कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनेट. तो अगर आपके माइंड में आएगा पास्ट इंडेफिनेट, तो आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है? वाज अ वर्ब, राइट? और जैसे मैंने बताया था, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय हम क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? द डॉग्स. अब क्योंकि डॉग्स बहुत सारे हैं, द डॉग्स वर फीड फैट फेड फेड बाय द ग्रैंड मदर एवरी डे. तो ये आपकी बुक से ही है कि जिस तरह से हमने पढ़ा था कि ग्रैंड मदर जो है किस तरह से स्टेल चपाती. तो आंसर इज योर, जो अभी मैंने बताया, द डॉग्स वो फेड बाय द ग्रैंड मदर एवरी डे. तो सिंपल से आप पहले लिख सकते हैं कि किस सेंस में. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा टेंस यहाँ पे यूज है, पास्ट एंड डेफिनेट. तो पास्ट एंड डेफिनेट में हम क्या यूज करते हैं? वॉज और वर ऑक्सिलरी जो है हमारे वर्ब्स होते हैं, और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो सिंपल सा रूल है, तो उसको आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. द डॉग्स वर फेड बाय द ग्रैंड मदर एवरी डे. नेक्स्ट है, द स्पैरोज हैव नॉट ईटन द क्रम्स, राइट? अब हैव नॉट ईटन, अभी हमने करा था परफेक्ट टेंस. तो हैव नॉट, तो हैव नॉट किस में यूज करते हैं? हैज और हैव? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. तो ये कौन सा आपका टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. द स्पैरोज हैव नॉट. अब परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने, बीन. हैव नॉट बीन इटन द क्रम्स. तो क्या आएगा? इटन क्या आपका वर्ब. तो द क्रम्स हैव नॉट बीन इटन बाय द स्पैरोज. तो यहाँ पे क्या है, आपको मार्क कर लें. यहाँ पे जैसे पहले वाले में क्या था, ग्रैंड मदर क्या थी आपकी? सब्जेक्ट वर्ब. डॉग्स क्या थे आपके? ऑब्जेक्ट. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, तो स्पैरोज क्या है आपके? सब्जेक्ट. इटन क्या है आपका? वर्ब. ये हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब. द क्रम्स क्या है आपका? ऑब्जेक्ट. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? द क्रम्स हैव नॉट बीन इटन बाय द स्पैरोज. द क्रम्स हैव नॉट बीन इटन बाय द स्पैरोज. क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों? द पीपल ऑफ इजिप्ट लव द फैरो. अब क्या है यहाँ पे? लव द फैरो. द पीपल ऑफ द इजिप्ट, तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है. तो क्या होगा इसका? द फैरो इज लव्ड बाय द पीपल ऑफ इजिप्ट. तो यहाँ पे टेंस लिख लेते हैं बच्चों पहले. तो यहाँ पे कौन सा है? ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस. सेम है यहाँ पे. ये क्या आपका? सब्जेक्ट वर्ब. दिस इज योर ऑब्जेक्ट. तो क्या हो जाएगा? द फैरो इज लव्ड बाय द पीपल ऑफ इजिप्ट. सेकेंड है, सुई शोड ब्रेवरी इन क्राइसिस. सुई क्या है आपका? नाम है. सब्जेक्ट तो कौन सा है यहाँ पे? शोड. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज है. इट मीन्स ये क्या है? पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, राइट? कौन सा है? पास्ट एंड डेफिनेट टाइम टेंस. तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं पहले, टेंस पास्ट एंड डेफिनेट टेंस. वॉज शोन, तो हमें पता है वॉज और वर हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. तो क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रेवरी वॉज शोन बाय स्वी इन क्राइसिस.
राइट। तो यहाँ पे ये यह क्या आपका सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, क्लियर। टीचिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज इंक्रीजेज द स्कूल वैल्यू ऑफ स्कूलिंग। अब इंक्रीजेज है तो क्या है, ऑब्वियस है कि इट इज अ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, क्लियर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, द वैल्यू ऑफ स्कूलिंग इज इंक्रीज्ड, प्रेजेंट इनडेफिनिट। तो साइड बाय साइड आप टेंसेस भी लिखते रहेंगे तो आपके जो है टेंसेस भी क्लियर रहेंगे, एकदम से आप पता चल जाएगा कि ये इस टेंस का है तो हमें कौन से चेंजेस करने हैं उसमें, कौन सा हमें ऑक्सिलरी वर्ब हमें उसमें यूज करना है, क्लियर। आराम वॉज नॉट राइडिंग द हॉर्स इन द बिगनिंग। अब वॉज नॉट राइडिंग क्लियर है पास कॉन्टिन्यूस टेंस से, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, BEING। अभी हमने करे थे टेंसेस कि प्रेजेंट में पास्ट में हमें क्या यूज करना है, राइट। तो बीइंग, तो आराम वॉज नॉट राइडिंग द हॉर्स इन द बिगनिंग, तो क्या होगा, द हॉर्स वॉज नॉट बीइंग राइडिंग बाय आराम, क्या होगा बच्चों, द हॉर्स वॉज नॉट बीइंग रिडन बाय, क्योंकि राइट का क्या हो जाएगा, रिडन, राइट रोड रिडन, थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट रोड होती है एंड थर्ड फॉर्म इज योर रिडन, द हॉर्स वॉज नॉट बींग रिडन बाय आराम इन द बिगनिंग। तो दिस इज योर, क्या है ये आपका सब्जेक्ट, वॉज नॉट राइटिंग, द हॉर्स इज योर ऑब्जेक्ट, क्लियर। टैप्लो इज वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तो ये क्या है बच्चों आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, में आपको क्या यूज करना है इसमें, मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज बीइंग वेटेड, थर्ड फॉर्म लगानी है वेटेड, मिस्टर क्रॉकर हैरिस बीइंग वेटेड फॉर बाय टैप्लो, राइट। तो टैप्लो क्या है आपका सब्जेक्ट, इज वेटिंग, वेटिंग वेट क्या है आपका वर्ब है, और कौन, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तो यहाँ पे इज बीइंग वेटेड, तो थर्ड फॉर्म आपने देखा कि चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस है, हमने जो है चाहे फ्यूचर टेंस है हमने क्या यूज करा उसमें, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्जीनिया हैड हैड द घोस्ट, हैड तो ये क्या है बच्चों, टेंस लिख ले यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो क्या होगा यहाँ पे, द घोस्ट had been held by Virginia. The ghost had been held by Virginia. तो बच्चों जो एक्सरसाइज करिए, अगर आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन पूछना है एक्टिव पैसिव वॉइस में, अगर कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन है या आपका कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पुट करो बच्चों, कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, तो आप लोग जो है क्वेश्चन अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों, रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करके बताइए, वेरी गुड। तो ये जो एक सेंटेंस लिखा है इसको कोई बता सकता है एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकता है, ये वाला सेंटेंस है, आर यू राइटिंग अ लेटर, आता है किसी बच्चे को, DGIC पागलपुर माँ, अगर आपको कोई ये सेंटेंस अगर आपको आता है तो प्लीज आप बता सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, माइक लीजिए बच्चों, आप लोग 10th क्लास में हैं, अगर इस तरह से हेजिटेशन होगा आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते, अगर आपकी समझ में नहीं आया मैं दोबारा आपको बताऊंगी, आ गया सारे बच्चों को, आपका टेस्ट लें, ये सेंटेंस आता है बच्चों, मनीला बॉयज जो बैठे हैं आप लोगों को क्लियर हो गया है ये,
माइक लेके आंसर दीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट में जो है आपके कोई भी अगर डाउट है घर में जाके आप लोग इसको रिवाइज करें, और फिर भी आपके समझ में नहीं आया होगा तो आपके डाउट को हम जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और ये जो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज है वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? तो बच्चों रिवाइज इट एट होम, और कहीं पे भी कोई डाउट हो आपके अपने पॉइंट्स बनाए, कौन सा समझ में नहीं आया है तो उसको आपके डाउट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।